ये ग्राइंडर है जो खराब हो चुका है और हम उसको करंट दे के देखेंगे। ये करंट पे नहीं चल रहा है, देखिए ये कुछ भी नहीं चल रहा है। क्या खराब हो गया है इसको हम खोल के देखेंगे। देखिए इसमें क्या खराब हो चुका है, कुछ भी। आप पहले तो इसमें देखिए, ये ग्राइंडर में फ्यूज वगैरह नहीं होता है, फ्यूज नहीं होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये स्विच है जो रेड कलर का दिखाई देता है, ये रीसेट का है। यहाँ पर आपको ये रीसेट को दबाना है, फिर से ऑन हो सकता है। और इसको ये देखिए, ये बहुत जाम हो चुका है। हम उसको खोल के देखेंगे। ये दो पिन आपको खोल लेना है इस तरह से, देखिए ये खोल लेना है। खोलने के बाद आप उसको ये जो ये देख पा रहे हैं रीसेट का है, इसको आपको खोल लेना है। खोल लेने के बाद ये देखिए, ये छोटा सा ये आपका जो 2.2 एम्पियर 230 वोल्ट यहाँ पे लिखा है। आप ये खराब होने के वजह से, इसको रीसेट बोलते हैं, इसको खराब होने के वजह से आप चेंज कर लेंगे तो आपका ग्राइंडर हो सकता है ठीक हो जाए। और कभी कभी ये पानी लगने के वजह से जाम हो जाता है। आप इसको ये प्लास लेके इस तरह से थोड़ा ऐसा ऐसा कर लेना है। देखिए ये बहुत जाम हो चुका है, इसके वजह से शायद हमारा ग्राइंडर नहीं चल रहा है। देखिए इसको आपको लूज कर लेना है। देखिए ये लूज हो चुका है, बहुत अच्छी तरह से लूज हो चुका है। अब हम इसको फिटिंग करके देखेंगे। देखिए अच्छी तरह फिटिंग हो चुका है, अब हम इसको इसमें फिटिंग कर लेंगे। देखिए इसका पिन अच्छी तरह से आपको लगा लेना है, अब हम इसको फिटिंग कर लेंगे। ठीक हुआ कि नहीं, अभी हम उसको टेस्ट करके देखेंगे। लॉक में दे देंगे। देखिए बहुत ही आसान तरीके से ये ठीक हो गया। आप भी इस तरह से अपने घर में बहुत ही सामान्य काम को, आप ये जो पीछे का जो रीसेट यहाँ पे लिखा रहता है, आप इसको ठीक कर लेंगे तो आपका ग्राइंडर बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। आप घर में बहुत छोटा मोटा काम हो, आप घर में बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए।